हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं विलेज स्टाइल में सादा सिंपल और स्वादिष्ट सरसों का साग। सरसों के साग में हम उड़द की दाल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सरसों की पत्तियां, उड़द की दाल, एक लेंगे कुकर और कुकर में हम ऐड करेंगे उड़द की दाल। उड़द की दाल को दो बार मैंने वॉश कर लिया है और सरसों की पत्तियों को तोड़ करके दो तीन बार वॉश करके फिर हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और इसको कुकर में आराम से दबाते हुए डाल देना है, क्योंकि अभी इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इसको दबाते हुए कुकर में डालना है ताकि सारी जो है हमारी सरसों की पत्तियाँ आ जाएँ कुकर में। सरसों के पत्तियों को कुकर में अच्छे से सेट कर देंगे और ऐड करेंगे आधा कप पानी। सरसों की पत्तियों में काफ़ी जूस होता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं डालेंगे तो कुकर में नीचे जल जाएगा। कैप लगा करके रख देंगे पकने के लिए। पकने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट में पक जाएगा। जब तक कि एक सीटी ना बोले कुकर की, तब तक हम इसको पकाना है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, बहुत हाई नहीं करेंगे और नहीं बहुत लो करेंगे। कुकर की एक सीटी बज चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो कुकर के अंदर गैस है वो निकल जाए। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम ढक्कन निकालेंगे बाहर। देखिए कितना सारा हमारा जो है सरसों के पत्ते थे और अब कम हो चुके हैं। कलछी से हम पलट करके देखेंगे कि पक गए हैं कि नहीं। देखिए हमारे साग एकदम पक चुके हैं और अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। साग हमारे मिक्स हो चुके हैं और अब चलते हैं साग को तड़का देने की तरफ। तड़का देने के लिए पैन मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रखा है। पैन में ऐड करेंगे सरसों का तेल। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल से ज़्यादा टेस्टी बनता है साग। ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, मिक्स कर देंगे। ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। पैन को हिला देंगे ताकि मिक्स हो जाए मिर्च और ऑयल अच्छे से। लहसुन हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। ऐड करेंगे 1 पिंच हींग। हींग से सरसों के साग में बहुत अच्छा स्वाद आता है। ऐड करेंगे हम सरसों का साग, मिक्स कर देंगे। बाकी बचे हुए सरसों का साग भी हम डाल देंगे पैन में। सभी सरसों के साग को हमने पैन में डाल दिया और मिक्स करना शुरू करेंगे। मिक्स करते हुए हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो साग में जूस हो वो निकल जाए। ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल कीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, हमें काफ़ी हद तक जूस जो है वो सूख चुका है। 2 मिनट हम और मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो हमारे साग जो हैं वो जल जाएंगे। सरसों का साग हमारा बन करके रेडी हो चुका है, सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे। आप सरसों के साग को चावल, रोटी या फिर बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी के साथ सर्व कीजिए। ठंडी के मौसम में अच्छा लगता है खाने में। गाइस, अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सरसों का साग कैसा बना है। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।